डॉक्टर आप? अनिता के हत्यारे का पता लगा? मेरे पास उसका अरेस्ट वारंट भी है। कौन है वो मुझे बताइए, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। अजय प्रधान, मैंने कोई खून नहीं किया है। ये आपके दुश्मनों की चाल है, आपको फंसाने के लिए, मुझे फंसाने के लिए। मैंने कोई खून नहीं किया है। कोई चाल नहीं है मिस्टर अजय। आपको पता है आप प्रधान के बेटे की बात कर रहे हैं? मैं एक हत्यारे की बात कर रहा हूँ। मेरा बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने कोई खून नहीं किया है। आपके पास क्या सबूत है? जिस चीज से अनिता के सर पे चोट लगी वहाँ पे अजय के फिंगरप्रिंट्स, लाश की जगह पे अजय के फुटप्रिंट, उनके कार के टायरों के निशान। और क्या चाहिए आपको? आप मेरे बेटे को इस तरह नहीं ले सकते। हमारे पास ठोस सबूत है, अरेस्ट हिम। पता मार खा रखा, पता नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। मैं पता तेरी ये चीखें आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, रात भर सुननी पड़ेगी। सॉरी, हमारे पास दूसरा कमरा नहीं। तो क्या क्या सोचा आपने? किस बारे में? मौसम के बारे में? मौसम के बारे में? मौसम का इसके से क्या ताल्लुक है? किससे? अनिता के बड़े केस है। कुछ नहीं, तो फिर आपने मौसम के बारे में क्या पूछा? ठीक है, अनिता के बारे में पूछते हैं। आपने अनिता का मर्डर क्यों किया? कहीं वो सबको बताने दे कि आपने उसका रेप किया था। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैंने अनिता का मर्डर नहीं किया। अब पक भी दो। तुम्हारी पत्नी के बयान से हमारा शक पुख्ता हो चुका है। सविता जी हां, उससे ही हमें अंदर की बातें पता चली। पुलिस को मैंने ही बयान दिया था अपने पति के खिलाफ। अपने पति के खिलाफ नहीं, इंसानियत के नाते मैंने ये कदम उठाया है। मगर बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि अजय ही मुजरिम है? मुझे मालूम नहीं था, शक था, क्योंकि जिस रात ये घटना हुई उस रात अजय वहीं थे। मैंने उनसे कई बार सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा मुझसे छुपाते रहे। उनकी पत्नी हूं ना, इसलिए उनके दिल के अंदर झांक कर समझ लेती हूं। बस मेरा शक बढ़ता था। आपने मेरी दीदी के खातिर अपना ही घर तबाह किया, ये भी नहीं सोचा कि आपका क्या होगा। मेरा जो मुझसे हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी कि अनिता के साथ अन्याय नहीं हुआ। मैं तुम्हारी बहन को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन एक बात कहो, जो हो गया उसे भूल जाइए। भूल जाऊं? नहीं महिमा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चाहकर भी नहीं भूली जा सकती।
लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं। जैसे 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 क्या? मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन आज बताता हूं, क्योंकि अब छुपाने के लिए कुछ बचा भी नहीं। तुम्हें पता है मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाया करता था अपने दिमाग की बीमारी के इलाज के लिए। साइकियाट्रिस्ट? हाँ। क्यों, किस लिए? अपने दोस्त के साथ दगा करने की गलती का बोझ अपने दिल से उतारने के लिए। तब हम गरीब थे, चीजें कम थी, दिक्कतें ज्यादा, फिर भी हम खुश तो थे। लेकिन जल्दी से जल्दी ऊपर आने की ख्वाहिश, सही गलत की परवाह किए बिना पैसा कमाने की जल्दी ने वो पाप मुझसे करवा दिया। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त आदित्य के साथ दगा किया। इस वजह से उसकी बीवी मरी, दो फूसी बच्चियां, दो फूसी बच्चियां दर बदर भटकी और मैं अमीर हो गया। मेरे पास अब सब कुछ था, अगर कुछ नहीं था तो वो था सुख, अगर कुछ नहीं था तो वो था मेरा परिवार। अब ये बोझ ढोने से क्या फायदा? और ऊपर वाले का खेल देखिए, उसने आदित्य की बेटी अनीता को ही भेजा मेरा परिवार संभालने के लिए, और फिर मेरे बेटे के हाथों ही मरने के लिए। मैं पापी हूं महिमा, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। ये सब हुआ मेरी उसे गलती की वजह से। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की, कोई पाप किया है, तो उसे सुधार भी तो सकते हैं। उसी का तो वक्त नहीं है अब, और ये पाप ऐसा है जिसका बोझ एक जन्म में तो क्या, शायद कई जन्मों में भी उतार नहीं पाऊंगा। और इसे ठोकर चलने की भी हिम्मत नहीं है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसने कहा कि वो मुझे एक्सपोज कर देगी, लेकिन फिर भी मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं उसका मर्डर करना नहीं चाहता था। लेकिन मर्डर तो किया है ना मिस्टर अजय? मैं उसका मर्डर नहीं करना चाहता था, मैं उसका मर्डर नहीं करना चाहता था। हेलो,
क्या ये आप क्या कह रहे हैं? अंजलि, किसका फोन था? क्या हुआ तुम्हें? अजय ने कन्फेस कर लिया है, उसने दीदी को। बुरे कान सदा बुरा ही होता है। प्रधान के घर को उसके चिराग से ही जलना था। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर प्रधान? प्रधान बोल रहा हूँ। ओ हाँ इंस्पेक्टर, क्या आपको पूरा यकीन है कि अजय? शर्म आ रही है ना मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही ना भाई, तुमसे ज्यादा मैं शर्मिंदा हूं कि तुम मेरे भाई हो। तुम्हें अपने किए की सजा तो मिल जाएगी, लेकिन मुझे इस बात की सजा कि तुम मेरे भाई हो जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो अमित। क्यों भाई, क्यों माफ कर दूं तुम्हें मैं? इसलिए कि तुम मेरे बड़े भाई हो, इसीलिए कि मैंने तुम्हें हमेशा इज्जत दी, प्यार दिया, एक छोटे भाई का फर्ज निभाया। बदले में तुमने क्या दिया भाई? जिंदगी भर कभी प्यार तो तुम मुझे दे नहीं पाए, और एक ही वो इंसान जिसने मुझे प्यार दिया, मेरी जिंदगी संवारने की कोशिश की, तुमने उसे भी छीन लिया मुझसे। किस किस्म की घटिया इंसान हो तुम भाई? अनीता इस घर की बहू थी, तुमने उसकी भी लाज नहीं रखी। तुम्हें मैं तो क्या, कोई भी माफ नहीं कर पाएगा। मैं तो ये बात भुला चुका हूं कि तुम मेरे भाई हो। तुम भी ये बात भुला दो कि कभी तुम्हारा कोई भाई था।
जी कहिए। मिस्टर आदित्य देव माथुर। जी मैं हूँ। ये आपके लिए, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। बेटा नोटिस है। किसकी? प्रधान, उन्होंने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा मेरे नाम कर दिया, साथ में एक चिट्ठी भी है जिसमें लिखा है कि वो अनीता के लिए बहुत शर्मिंदा है और अपने दिल की गहराइयों से माफी मांग रहा है और बेटा मुझे लगता है कि हमें उनसे जाकर मिलना चाहिए।